एंड्रॉइड फोन में क्रोम की हेल्प से आप किसी भी फाइल को आप डाउनलोड कर रहे हो और वो डाउनलोड आपका बहुत स्लो हो रहा है और आप अपने क्रोम के डाउनलोड स्पीड को बढ़ाना चाहते हो, उसे इंक्रीज करना चाहते हो, तो आप उसे कैसे कर सकते हैं? अपने क्रोम को तो सबसे पहले ओपन कर लेना है। टॉप की ओर देखोगे राइट साइड में आपको यहाँ पे 3 डॉट का आपको यहाँ पे आइकन शो होगा, तो आपको इस आइकन पे क्लिक करना है। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री में चले जाना है। देखोगे यहाँ पे टॉप की ओर आपको यहाँ पे क्लियर ब्राउजिंग डेटा का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज एंड साइट डेटा, कैसे, आपको यहाँ पे जितने भी ऑप्शन आपके यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पे इन सभी को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है, सभी में टिक लगा लेना है, उन सभी को आपको यहाँ पे क्लियर करना है, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कलेक्ट हो जाने के कारण भी आपका जो क्रोम है वो स्लो पड़ जाता है, उसका डाउनलोड स्पीड पे भी आपका इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको यहाँ पे इसे टाइम टू टाइम, ऐसे तो मैं आपको बता दूँ, इसे आपको टाइम टू टाइम क्लियर करते रहना होगा, लेकिन आपको यहाँ पे करना क्या है कि आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे टॉप की और आपको यहाँ पे टाइम रेंज में आपको यहाँ पे ऑल टाइम का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको यहाँ पे ऑल टाइम को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे क्लियर डेटा पे क्लिक करके आपको इन सभी को क्लियर कर लेना है। और एक बात और, जैसे मैं आपको बता दूँ कि अगर बाय द वे मान के चलिए आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ब्राउजिंग हिस्ट्री वगैरह है या इंपॉर्टेंट साइट डेटा वगैरह है, तो आप इसे अनचेक भी कर सकते हो, आप इनमें से किसी को भी आप अनचेक कर सकते हो, और बाकी जिसे भी आप चेक मार्क किए हैं तो उसे चेक मार्क कर आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो उसे। तो आपको यहाँ पे इन सभी को, ऐसे मैं आपको बता दूँ कि आपको यहाँ पे इन सभी को क्लियर कर लेना है, और क्लियर कर लेने के बाद, मैंने क्लियर हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे वापस से होम पे आ जाना है, मैंने क्लियर कर लेने के बाद। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि अब आप यहाँ पे देखोगे होम पेज में यहाँ पे मेरा आ चुका है। अब आप यहाँ पे टॉप की ओर देखोगे यहाँ पे google.com का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे टाइप करना है chrome:// flags, आपको यहाँ पे इसे टाइप करना है, देन आपको एंटर करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करना है डाउनलोड। टाइप करने के बाद ही आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे टॉप की ओर आपको यहाँ पे पैरेलल डाउनलोडिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको इसे इनेबल करना है, जो पैरेलल डाउनलोडिंग है आपको इसे इनेबल कर लेना है। जैसे अभी यहाँ पे मेरा ये डिफॉल्ट में है, तो आपको इसे इनेबल कर लेना है, और इनेबल करने से क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे नीचे की ओर लिखा हुआ भी है इनेबल पैरेलल डाउनलोडिंग टू एक्सेलरेट डाउनलोड स्पीड। मैक ओएस मैंने मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है, विंडोज़ में भी कर सकते हैं, लिनक्स में भी कर सकते हैं, क्रोम ओएस और एंड्रॉयड में भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगा, तो आप अपने विंडोज़ लैपटॉप वगैरह में भी कर पाओगे, और यहाँ पे अपने एंड्रॉयड फ़ोन में भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे इनेबल कर लेना है, और इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे की ओर आपको रिलॉन्च का बटन शो होगा, तो आपको इस रिलॉन्च वाले बटन पे क्लिक करके आपको इसे रिलॉन्च कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा ये रिलॉन्च हो चुका है, और यहाँ पे मेरा ये इनेबल्ड हो चुका है। इनेबल्ड हो जाने के बाद फिर आपको वापस से होम में चले जाना है, होम पेज में चले जाना है। अब आप यहाँ पे कंपेयर करोगे तो आपको पहले के मुकाबले ज़्यादा स्पीड अप आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा, ज़्यादा बूस्टअप दिखने को मिलेगा डाउनलोड करने से रिलेटेड। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।